दोस्त, मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ कि आप इस देश के सबसे बड़ी सेवा संघ के हिस्सा बनने की पूरी निष्ठा के साथ प्रयत्नशील हैं। यकीनन इस कंपटीशन के युग में अपने आप को साबित करना अपार कठिनाइयों से भरा हुआ है। हौसला डगमगाता भी है, मुश्किलें भी बहुत आती हैं, रोना भी आता है। दोस्तों, याद रखिएगा, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। यकीन मानिए, शिखर पर पहुंचने की खुशी जब होती है तो यह विपरीत परिस्थितियां भी तुच्छ लगती हैं। और यह मुश्किलें ही हैं जो आपको केंद्र तक ले जाती हैं, वरना हर कोई आज इस मुकाबले में शामिल होना चाहता है। यह बात अपने जहन में बैठाइए कि किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। आज समाज को एक सकारात्मक विचार की आवश्यकता है। मित्रों, एक बात याद रखिएगा, शिक्षा का मतलब ये नहीं कि शिक्षा प्राप्त करके नौकरी करें, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य आपको ज्ञान प्रदान करना है जिससे आप किसी भी क्षेत्र में उन्नति कर सकें। यह हमेशा याद रखना, जब तक समाज में शिक्षा का मतलब नौकरी पाना होगा, तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। अगर रेस जीतनी है तो मैदान में उतरना पड़ेगा। दुनिया में अगर कुछ अलग करना है तो औरों की तरह जीना छोड़ दो, वरना जैसे लोग आज दुनिया में देख रहे हो वही बनकर रह जाओगे। अगर आप 1000 बार भी असफल हुए हो तो एक बार और दुगनी जोश से प्रयास करें। हम असफल तभी होते हैं जब अपना 100% नहीं देते। डू इट नाउ, समथिंग लेटर बिकम्स नेवर। जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, फिर चाहे वो अपनी नींद से हो, अहम से हो, वहम से हो, या फिर सोए हुए जमीर से। तकदीर बदल जाती है अगर जिंदगी का कोई मकसद हो, वरना जिंदगी तो कट ही जाती है तकदीर को इल्जाम देते देते। जो गिरने से डरते हैं वो कभी उड़ान नहीं भरते। सिर्फ मरी हुई मछली को ही पानी का बहाव चलती है। जिस मछली में जान होती है वह अपना रास्ता खुद बनाती है। कुछ अलग अगर करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। कभी हार मत मानो, क्या पता आपकी अगली कोशिश ही आपको कामयाबी की ओर ले जाए। देर से बनो लेकिन जरूर कुछ बनो। लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं पूछते, हैसियत पूछते हैं। बीते हुए को तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन यकीनन अभी भी भविष्य आपके हाथ में है। डू नॉट फॉलो द मेजोरिटी, फॉलो द राइट वे। खुद के ऊपर विश्वास रखो साहब, फिर देखना, एक दिन ऐसा आएगा घड़ी दूसरे की होगी और समय आपका होगा। एक बात याद रखिएगा, दुनिया सिर्फ नतीजों को इनाम देती है, कोशिशों की नहीं। इसलिए हर संभव प्रयास करें। इफ दिस इज द विनर, इमेजिन द लूजर। सफल लोग कोई और नहीं होते, वो बस कड़ी मेहनत करना जानते हैं और हमारे बीच से ही कुछ अलग करने को निकलते हैं। अभी कांच हूं तो चुभ रहा हूं, जिस दिन आईना बन जाऊंगा उस दिन पूरी दुनिया देखेगी। हर उस चीज के लिए रिस्क लो जो आपके सामने सच करने में मदद करे। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। यकीन मानिए दोस्तों, उन्नति की क्षमता रखने वालों पर समय समय पर आपत्ति आती है। तकदीर बदल जाती है अगर जिंदगी का कोई मकसद हो, वरना जिंदगी तो कट ही जाती है तकदीर को इल्जाम देते देते। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है लक्ष्य तक जाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।